हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा श्री स्टाइल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला फेस पैक। इस फेस पैक को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ही रूखी बेजान हो जाती है, तो ये फेस पैक आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन को एक्सट्रीमली हाइड्रेट मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग बनाएगा। ये फेस पैक आपकी स्किन से रिंकल फाइन लाइंस एंड एजिंग शाइन को कम करेगा। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हम बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक फ्रेश एलोवेरा लीफ को। आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें किसी तरह की कोई भी डस्ट ना रहे, और इसको कुछ इस तरह से कट करके इसके जेल को प्रॉपरली अलग निकाल लेंगे। सो एलोवेरा में होती है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो आपकी स्किन को स्मूथ सपल एंड मॉइस्चराइज रखती है। सर्दियों के मौसम में हमें मोस्टली सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एलोवेरा इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये आपकी स्किन से टैनिंग को ख़त्म करता है, आपकी स्किन से ब्लेमिशेस को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो गाइस, आपको एलोवेरा लीव से इसके जेल को कुछ इस तरह से निकाल लेना है। आप इसकी जगह कोई भी कॉमर्शियल एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप हो सके तो फ्रेश एलोवेरा जेल का ही यूज़ करें। सो गाइस, आप इसके जेल को कुछ इस तरह से निकाल लें। तो आपको कुछ इस तरह से फ्रेश एलोवेरा लीफ से एलोवेरा जेल को निकाल लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर का, यानी चंदन के पाउडर का। तो नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हनी का, यानी कि शहद का। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, विंटर्स की स्किन के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटिंग रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो इस पैक को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है सैंडलवुड पाउडर का, जो हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन से एक्ने स्केयर्स को कम करेगा, आपकी स्किन से ड्राइनेस एंड रिंकल्स को हटाने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको इस पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको इस एक स्मूथ एंड थिक पेस्ट तैयार करना है। तो फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से थिक होना चाहिए, यानी थोड़ा सा स्टिकी होगा बट इजिली आपकी स्किन में अप्लाई हो जाएगा। इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, फिर अपने फेस एंड नेक पर ब्रश या अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे अप्लाई करें। सो गाइस, इस फेस पैक के अच्छे रिजल्ट के लिए इसे वीक में 3 से 4 बार अप्लाई करें एंड ये फेस पैक आपकी स्किन से डलनेस ड्राइनेस एंड आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। सो इसे 30 से 35 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसे ठंडे पानी से या फिर हल्के गर्म पानी से वॉश कर लें। ये आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत ही इफेक्टिव है। एंड होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।